गाइस आ गए हैं हम नया वीडियो लेकर। हालांकि वीडियो जो है ग्रुप एस बता रहा हूँ, मैं रेलवे ग्रुप डी के विषय में एग्जाम के विषय में बताने वाला हूँ, लेकिन ये वीडियो यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा छा गया है और मतलब कि पुराना भी हो गया, लेकिन ये न्यूज़ जो मैं देने वाला हूँ कुछ अलग है और कुछ हटके है। इसी कारण मैंने आज थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन वीडियो लेकर आ गया हूँ, और जो कि बहुत आपके लिए फायदेमंद रहेगा कि आपका एग्जाम कब है और आप मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे कि एग्जाम कब होगा, अल्फाबेट से होगा या रोल नंबर वाइज होगा, तो वो भी आपको मैं कॉन्फिगरेशन कर दूंगा। तो चलिए पहले अपने चलते हैं, मैं ब्राउज़र खोल रखा हूँ और यहाँ है, यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी के विषय में, पहले वो जान लेते हैं क्या दे रखा है। ये जो नोटिफिकेशन दे रखा है पहले आप इसके विषय में समझ लीजिए और फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे हम लोग। जैसा कि देखिए इसमें जो आया हुआ नोटिफिकेशन, यहाँ देखिए जो दे रखा है यहाँ पे कि लाइकली टू स्टार्ट फ्रॉम 17 सितंबर, जो ये जो दिख रहा है आपको, ये 17/9/2018 ये एग्जाम आपका स्टार्ट होगा। और ये जो CBT होता है, बहुत कोई ऐसे थे जो CBT पूछते, CBT क्या होता है भैया, CBT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि जो ऑनलाइन जो टेस्ट देते हैं उसका फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो कि आप यहाँ पे ये देखते हैं, देख ये जो है ये जो लिखा हुआ है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका फुल फॉर्म ही होता है CBT का टेस्ट का, मतलब ये फुल फॉर्म होता है। दूसरी बात बात करते हैं कि ये जो होगा, एक चीज़ और लिखा हुआ है यहाँ पे कि एग्ज़ाम, अब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब होगा, क्या 17 को ही सब एग्जाम हो जाएगा, या बहुत सारे अल्फाबेट से होगा या रोल नंबर वाइज होगा, तो ये क्वेश्चन आ रहे थे। मैं आपको बता दूँ कि देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि द एग्जाम सिटी, फिर दे रखा है डेट शिफ्ट डिटेल्स सेल बी मोड ऑन, देखिए यहाँ देखा है लेवल ऑफ 10 डेज, मतलब कि 10 दिन पहले ही आपको प्रोवाइड कर दिया, यानी कि 17 से तो 10, मतलब 17 से है तो 10 दिन पहले, यानी कि 7 से ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपको इस सब चीज़ के विषय में। लेकिन बात आता है कि क्या, जैसे जैसे कि टेक्नीशियन ALP वाला में क्या था कि उसमें पहले बताया जा रहा था कि आपका कब एग्जाम है, कब सेंटर कहाँ पड़ा है, ये चीज पहले से इंडिकेट कर दिया जा रहा था। तो क्या यहाँ पे बस एक ही डेट दे दिया गया है 17/9/2018, तो क्या ऐसा आपको क्या लगता है? मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, इसको छोड़िए चलते हैं और आपको मैं जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे कि कुछ चीज़ है। देखिए यहाँ पे सरकारी एग्जाम.com है, जो कि आप वेबसाइट देख रहे होंगे, वेबसाइट अगर आप नहीं देख रहे हैं तो दिखा देता हूँ मैं आपको कि आप ये वेबसाइट देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सरकारी एग्ज़ाम.com, देख सकते हो। नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम का जो स्टार्टिंग डेट दे रखा है, यहाँ पे देखिए दे रखा है 17/9, यानी कि स्टार्ट ही होगा 17 को, इसका मतलब बनता है कि स्टार्ट ही 17 होगा, तो मतलब आगे भी एग्ज़ाम तक जाएगा। उसका एक चीज़ और मेन मोटिव जो है उसके विषय में बात करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो दे रखा था एग्जाम डेट, जो कुछ दिन पहले रिलीज किया गया था इसके द्वारा, कि कब कौन सा एग्जाम होगा, किसका किस अल्फाबेट के अनुकूल, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे कि 12/8 को था ABTQOLF का जो भी था एग्जाम, इस तरह से था। तो ये तो शुरू हुआ नहीं, ये दूसरे मेथड से शुरू हो रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है? देखिए मुझे लगता है कि जो एग्ज़ाम, मतलब ऐसा तो कोई फिलहाल नोटिफिकेशन आया नहीं है, और जैसे भी आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और अभी आप नए हैं मेरे चैनल पर, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और देख रहे हैं वीडियो को तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, और कुछ प्रॉब्लम आ गए तो कमेंट कर लीजिएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे कि 12/8/2018 का एग्ज़ाम था इस वाले अल्फाबेट वाले को, तो अब एग्ज़ाम हो रहा है 17/9 को, तो मुझे ऐसा लगता है कि 17/9 को जो एग्ज़ाम होगा वो इसी अल्फाबेट वाले का एग्ज़ाम होगा। बस चेंजिंग क्या है कि मंथ को चेंजिंग कर दिया है हल्का सा, और डेट को, बस देखिए यहाँ पे 12 था वहाँ 17 कर दिया गया है, मंथ 8 था वहाँ 9 कर दिया गया है। तो इस तरह का ही कुछ प्रोसेस जो मतलब है, मुझे लगता है 17 से शुरू होगा, और ये 17 यहाँ पे 17/9 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 17/9 कर दिया जाएगा इसको, और यही अल्फ़ाबेट के अनुकूल चलेगा। और मुझे लगता है कि अल्फ़ाबेट के अनुकूल ही एग्ज़ाम होगा, ना कि आपके रोल नंबर वाइज, ऐसा बिल्कुल होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे लगता है जैसा कि ये दिया गया है, पहले जो अपडेट किया गया था ये जो दिया गया था अल्फ़ाबेट वाला जो दे रखा था, इसी के अनुकूल चलेगा। बस उसमें जो चेंजिंग जो आएगा, बस यही आएगा कि मंथ को चेंज कर दिया जाएगा और डेट को, और बाद आके जो है RYN जो जो भी ऐसे करके दे रखा है, ये उसी तरह से मतलब इसको आगे प्रोसीड किया जाएगा। हालांकि इस तरह का कोई भी आपको मुझे नोटिफिकेशन मिलता है या मैं देखता हूँ तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल बताऊँगा, लेकिन फिलहाल इतना ही था। और यहाँ जो दे रखा है मेन कि आपका कब आपको मतलब कि मतलब आपको डिटेल्स बताया जाएगा, एडमिट कार्ड का लिंक कैसे आएगा, जैसे ही उसका लिंक या कोई भी विशेष नोटिफिकेशन आता है, एडमिट कार्ड का लिंक आता है, तो मैं आपको उसके वीडियो के द्वारा जरूर बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल अपने दोस्तों के शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारी आपको पहुँचाता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, थोड़ा सा लेट आया हूँ लेकिन तंदुरुस्त आया हूँ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगेगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, मैं जॉब से रिलेटेड वीडियो चलाते रहता हूँ। तो क्या, फिर चलते हैं बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।